अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या हाल चाल है आप तमाम सबके। आज मैं आया हूँ यहाँ पर बोर्ड बेसन की तरफ, जो कि फूड स्ट्रीट कहलाता है। ये कराची के पोश इलाके के अंदर जो है ना, ये फूड स्ट्रीट है। तो ये जो है ना, यहाँ पर फूड स्ट्रीट है। काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर, खाने पीने की चीज़ें जो हैं, जैसे मछली वगैरह, मछली फ्राई, मछली कबाब, और ये काफ़ी सी चीज़ें मिलती हैं। और ये स्पाइसी चिकन वगैरह आप देख सकते हैं। ये है पोश इलाके के अंदर फूड स्ट्रीट, काफ़ी मशहूर है ये। ये बिलावल हाउस के पास पड़ती है। तो अभी मैं बिलावल हाउस वाला रोड भी आपको दिखाऊंगा कि बिलावल हाउस वाला रोड किधर है। तो ये काफ़ी सारी यहाँ पे मशहूर जो है ना चीज़ें, खाने पीने की जो है ना अशिया मिलती हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं, ये थोड़ी सी पट्टी है जो कि फूड स्ट्रीट कहलाती है। बस यहाँ से राउंड लेफ्ट साइड पर राउंड मारूंगा तो वो थोड़ी सी आगे और जाके जो है ना कुछ दुकानदार हैं फूड स्ट्रीट के। तो ये देखें आप, बाहर जो है ना इन्होंने ये क्या सेटअप लगाया होता है। और आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे बकरा कढ़ाई भी मिलती है। ये देख सकते हैं कितने साफ सुथरी चीजें लगी हुई हैं यहाँ पर। यानी कि ये पोश इलाके के अंदर जो चीजें मिलती हैं वो आपको तो पता है कि साफ सुथरी मिलती हैं, हर चीज मिलती है। ये है बलोचिस्तानी सज्जी, ठीक है। अच्छा, इसके बराबर में ये क्या है, कोयला कढ़ाई। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। नेशन, बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है ये। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या मिलता है। ये क्या, मेरे ख्याल से कुछ चपली कबाब वगैरह, और ये जो है ना बिहारी कबाब वगैरह, टिक्के। और अगर आगे की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि क्या चीज़ है।
कबाब, सीख कबाब, बीफ कबाब, बीफ बिहारी, हर चीज़ है। अच्छा, हर चीज़ है ये कराची ब्रोस्ट, कराची ब्रोस्ट ये देख सकते हैं आप। एक मिनट में आपको दिखा दूँ, बड़ा बोर्ड है ना, वो बोर्ड वहाँ से जाए, वहाँ से करीब आए। चिकन कबाब है और चिकन बोटी है, ये कितने कितने स्पेशल चिकन और बोटी हमारी। अच्छा, तो ये कितने की प्लेट होती है? ये 325 की है, ये 350 की है। अच्छा, चिकन टिक्का क्या किस लेंथ चेक लेग लेंथ दो। अच्छा, ये अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम सर जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहबाज लाशारी। अच्छा, ये आप ये बताएं कि कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? मुझे यहाँ 89 से मैं काम कर रहा हूँ। 89 से? तो सिर्फ इसी दुकान पे यहाँ आप? इसी दुकान पे 89 से। माशाल्लाह, काफ़ी यानी कि तजर्बा होगा आपको इस चीज़ का। 33 है। तो आप यानी कि हर चीज़ बना लेते हैं? जी सर। तो इसके अलावा जैसे आप 89 से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके अलावा किसी होटल में भी काम कर चुके हैं इससे पहले भी किया। रेड कारपेट के नाम से जो है ना रेस्टोरेंट हुआ करता था, वहाँ पे मैं किया। अच्छा। ये ट्रेनिंग मैंने वहाँ पे की है। अच्छा, वहाँ से ट्रेनिंग। तो ये देखें, ये कराची ब्रोस्ट वाले थे, 89 से ये काम कर रहे हैं यहाँ पर, एक ही जगह पर, एक ही फील्ड है इनकी। और ये हर चीज़ जो है ना, इनकी चीज़ जो है ना, खा के पता चलेगा कैसी करारी है, क्या है क्या नहीं। लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि जो जितना पुराना होता है उतना तजर्बेकार होता रहता है। एक बार जो खाएगा बार बार खाएगा, ये हमारी गारंटी है। आप पाकिस्तान के चैनल के साथ क्या है, जो एक दफ़ा बात को खाएगा सब ये खास करेगा। चले दोस्तों, और आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। ये है मास्टर ब्रोस के नाम से, ये भी काफी मशहूर ही, यानी कि सारे जितने भी यहाँ पर है ना, अच्छी चीजें मिलती हैं। अच्छा, ये है खैबर, यानी कि हर चीज़ जो है ना यहाँ पे, फरमाइशी कट है, मटन दुम्बा है, कढ़ाही है, टाइम लगेगा उसमें। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पर, ये हलीम वाले भी हैं, वो हो। अच्छा, ये है यहाँ पर एक होटल भी है, जो कि हलीम वगैरह और ये नियारी वगैरह हर चीज़ मिल रही है। नली नियारी मेरे को तो नज़र आ रहा, नली नियारी वगैरह, ये देखें। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं आगे। ये है बोर्ड बेसन का मशहूर एरिया, अब देख सकते हैं यहाँ पर खैबर हांडी इन। अच्छा, और यहाँ पे बैठक पिशावरी भी है, फ्रंटियर भी है, राजू भी है, काफ़ी सारे जो है ना यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह और ये फास्ट फूड वगैरह और ये खुले हुए हैं, यानी कि हर चीज़ यहाँ पे आपको जो है ना, आप अगर यहाँ आएंगे तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये सीधा जा रहा है बलावल हाउस की तरफ, और बलावल हाउस से थोड़ा सा बैक साइड पे आएं तो ये सारा यहाँ पे फूड स्ट्रीट है, ये बोर्ड बेसन की। ये चर्सी कढ़ाई है हमारे, चर्सी कढ़ाई है ये, चर्सी कढ़ाई। ये फ्रंटियर वालों की जी, बोर्ड बेसन। इस टाइम माशाल्लाह बहुत इसका अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, ये माशाल्लाह देख। अच्छा, सुना दोस्तों आपने, ये फ्रंटियर वाले थे तो इन्होंने भी बताया ये चर्सी कढ़ाई बेटे दो होता है। चर्सी कढ़ाई तो क्या चर्सो नहीं डालते इसके अंदर? नहीं नहीं, ये दुम्बे की होती है। चर्सी का मतलब बोस होता है खुशक। अच्छा, चर्सी का मतलब होता है खुशक। हाँ। ये ओरिजिनल चक्की में फ्राई करते हैं, बहुत मजे की होती है। और ये चक्की वाला दुम्बा होता है? चक्की वाला दुम्बा होता है जनाब। अच्छा, तो ये इसके अलावा और क्या क्या होता है? इसके अलावा हमारे पास बारबेक्यू में हम चांपे बनाते हैं, दुम्बे की बोटी बनाते हैं, मलाई बोटी है, चिकन बोटी है, रेशमी कबाब है, बीफ बिहारी बोटी है। इसके अलावा मटन कढ़ाई हमारी बहुत मजे की है,
और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम बहुत ही फेमस है। किस नाम से आपका? फ्रंटियर। ये फ्रंटियर माड़ीपुर, फ्रंटियर माड़ीपुर ट्रक अड्डे की ब्रांच है 1972 की, और बहुत ही अच्छा, इंशाल्लाह याद करेंगे, जो खाएगा इंशाल्लाह दोबारा भी आएगा। ये तो पूरा बकरा लटका हुआ है। देसी डेरा ही है, मैं अभी वहाँ से लेता हुआ आ तो रहा था देसी डेरे का भी। अच्छा ये है देसी डेरा। अच्छा ये बताओ ये क्या क्या मिलता है यहाँ पर? नाश्ता मिलता है, हलवा पूरी, चिकन पराठा, केमा पराठा, कढ़ाई, हंडी, बारबेक्यू, चाइनीज, टर्किश, हर चीज मिलती है, हर चीज मिलती है। अच्छा ऑर्डर अगर कोई करे तो, यानी कि जैसे अगर टिक्के का करे या किसी चीज का करे तो कितना टाइम लग जाता है? 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट, ठीक है। ये थे देसी डेरा। सुबह नाश्ता भी होता है? सुबह नाश्ता भी होता है इनका? सुबह सुबह अजान से लेकर 2 बजे तक नाश्ता। अच्छा सुबह अजान से लेकर 2 बजे तक नाश्ता भी होता है यहाँ पर? एक लेडीज आ गई ना। अच्छा अच्छा दोस्तों फिर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। ये दी एंड है, यानी कि ये फूड स्ट्रीट का जो है ना, जो बोर्ड बेसन का फूड स्ट्रीट है वो उसका दी एंड है ये। इसके बाद ये रोड आ जाएगा, रोड के बाद जो है ना बिल्कुल एंड है ये आखिरी, बिल्कुल लास्ट जो है ना ये पिज़्ज़ा इन है, ठीक है। इसके बाद वो पीछे की तरफ जो मैं छोड़ के आया हूँ वही है,